तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और मेकअप लुक एन बहुत ही सिंपल सा है करना एंड यहाँ पे आप फाइनल लुक देख सकते हैं बहुत ही अच्छा निकल के आया है और ये हम मैट बेस पे करने वाले हैं यानी समर्स के लिए मॉनसून सीजन के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है डे में आप आराम से इसको करके घूम सकते हैं एंड ये काफी लंबे टाइम तक चलेगा तो इसको आप कैसे कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है टोनर टोनर आपको यूज करना चाहिए जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है रिफ्रेश करता है प्लस आपके जो ओपन पोर्स है ये टाइटन करने में काफी हेल्प करता है तो इसको आप यूज कर सकते हैं है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये हमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए जब भी हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने टोनर लगा लिया है अच्छे से उसके बाद मैं लगा रही हूँ सीरम एंड ये मेरा मतलब अभी मैं इसकी दो बॉटल्स फिनिश कर चुकी हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छे से वर्क करता है तो ये है लॉरल पेरस का एंड इसको मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने में काफी हेल्प करता है प्लस ये रिंकल्स रिमूव करने में भी काफी हेल्प करता है तो इसलिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया मैं डेली बेसिस पे इसको यूज करती हूँ आफ्टर फेस वॉश तो यहाँ पे हमने सीरम लगा लिया है यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन बिकॉज बाहर जाना है और अगर आप डे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आप सनस्क्रीन जरूर यूज करें ये आपकी एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड कर देता है आपके स्किन पे तो ये काफी अच्छा सा लुक रहता है एंड आपकी स्किन टैनिंग से भी काफी हद तक आपको बचाता है तो तो इसको इसको आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ एंड ज्यादा हमें मलना नहीं है अपने फेस के ऊपर तो बहुत ही आराम से आप फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अप्लाई कर सकते हैं पे मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर एंड ये बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर है बहुत अच्छा है ये भी अगेन थोड़ी सी लाइक फाइन लाइन रिंकल्स को हाइड करने के लिए होता है तो आप प्राइमर यूज कर सकते हैं प्राइमर का बेसिकली आपको मैंने कई बार बता चुकी हूँ क्या यूज होता है प्राइमर का बेसिकली यूज ये होता है जब भी आप कभी मेकअप लगा रहे हैं और आप एक बहुत ही अच्छा सा फिनिश चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं प्लस जो भी आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे वो आपकी स्किन के अंदर ना जाए तो उसके लिए वो एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर देता है प्लस आपके फेस पे जो भी ओपन पोर्स हैं उसको हाइड करने में काफी हद तक हेल्प करता है आईलिड्स पे भी लगाया ताकि जब भी हम मेकअप करते हैं आई शेड वगैरह अप्लाई करते हैं तो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं एंड काफी अच्छा सा लुक निकल के आता है एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कलर कैरेक्टर एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है डेफिनेटली आप ये पैलेट बाय कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और आपको कंसीलर चाहिए कलर करेक्टर चाहिए प्लस आपको कॉन्टोरिंग के लिए चाहिए तो ये बहुत ही अच्छी सी अफोर्डेबल प्राइस में है तो आप बाई कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर लगा लिया अंडर आई एरिया पे क्योंकि डार्क सर्कल्स है उनको हाइड करना है एंड हाइड करने के लिए आप कोई भी लाइक like, ऑरेंज कलर करेक्टर लगा सकते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे से हाइड हो जाता है देन यहाँ पे हमने जहां भी पिगमेंटेशन का एरिया वहां पे अप्लाई कर लिया है दैट सेट उसके बाद सेम पैलेट से ही मैंने अपने फेस पे जो मेरे रेडनेस यहाँ पे हो रखी है साइड में पिंपल टाइप्स निकला हुआ है वहां पे लगा लिया

स्क्वीज करके आप अपने फेस पे डाप डाप करके अपना कोई भी प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं देन कंसीलिंग के बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन यहाँ पे मैं दो शेड्स को मिक्स करने वाली हूँ मेरा कलर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ इतने महंगे महंगे फाउंडेशन आते हैं तो ऐसे फेंक तो सकते नहीं है तो उसको यूज करने के लिए मैं फिर मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ और अपने स्किन टोन के हिसाब से उसका कलर मैच करा लेती हूँ तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया है देन यहाँ पे हमने चुटकी बजा के ब्लेंड कर लिया है तो यहाँ पे मैंने लेग में नाइन टू फाइव कर लिया है मीडियम कवरेज है एंड साथ में मैंने मिलानी का लिया है मिलानी का थोड़ा सा मेरा डार्क शेड है एंड ये काफी अच्छा लॉन्ग टाइम तक चलता है बिकॉज ये जो लेकमे का है वो मीडियम कवरेज देता है एंड मिलानी का फुल कवरेज देता है तो ये दोनों मिलकर अच्छे से वर्क करते हैं एंड प्रॉपर मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर बन जाता है देन हम अप्लाई कर लेंगे कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पैक्ट जस्ट आपको लाइट लाइट सा ही लेना है ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है बिकॉज अगर आपने ज्यादा कॉम्पैक्ट लगा लिया तो वो आपके जो फाउंडेशन को होता है वो हटाने लग जाता है थोड़ी देर बाद क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं अगर आपने कहीं पे ज्यादा लगा लिया तो कॉम्पैक्ट भी आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी uh, में लगाना है जब भी आप लगा रहे हैं ब्रश को हल्का सा टैप कर लें एंड देन उसके बाद उसको लगाएं तो सारा जो एक्सेस पाउडर वगैरह होता है वो झड़ जाता है और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं देन हम लगा रहे हैं ब्लश और इस पैलेट में आपको ब्लश मिल जाते हैं हाईलाइटर मिल जाता है ब्लश के काफी सारे शेड टोन्स मिल जाते हैं प्लस इसमें मैट भी मिल जाता है शिमर में मिल जाता है यहाँ पे मैंने मैट लगाया है थोड़ी सी शाइनिंग वाले साइड के लिए जा रहे हैं तो आप शाइनिंग वाला लगा सकते हैं अगर मैटिफाइंग के लिए जा रहे हैं तो मैट वाला लगा सकते हैं तो मैंने मैट वाला

ब्राउन कलर से क्योंकि ब्लैक कलर का जो यूज करते हैं वो बहुत ही ओवर लगती है एंड बहुत ही लाइक उनमें फेक सा लुक आता है तो हमेशा मैं प्रिफर करती हूँ कि न्यूट्रल वाला लुक आए नेचुरल लगे ऐसा नहीं लगे कि आपने स्पेशली इनको ब्राउज को फिल किया है तो हमेशा ब्राउन कलर टोन लगाए देन उसके बाद हम करेंगे अपना आई मेकअप स्टार्ट यहाँ पे मैंने लिया है पहले बेस सेट किया है उसमें हमने फिर लिया है लाइट ब्राउन कलर एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डेफिनेटली ब्लेंडिंग अच्छे से करनी चाहिए अदरवाइज जो आपका आई मेकअप है वो बहुत ही बेकार सा लगता है तो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फिर मैंने यहाँ पे लिया है पिंक शेड पिंक लेने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो यहाँ पे मैं कोई भी आई नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ आई शेडों से ही आई तो उसके लिए मैंने क्या किया है सेटिंग स्प्रे लिया है ब्रश पे एक फ्लैट ब्रश ले लिया उस पर मैंने सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर लिया है देन उसके

पैंट टाइप्स में है पीछे से आप इसको दबाओगे तो ये ब्रश ऐसे है आगे से और काफी अच्छे से वर्क करता है ये थोड़ा सा लाइक क्रीमी टेक्सचर में है इसका जो कलर है वो काफी अच्छा न्यूड शेड है तो मैंने इसको अप्लाई किया डेली पर्पज में आप इसको लगा सकते हैं अगर आपको न्यूड शीट पसंद है बट एक्चुअल uh, में मुझे थोड़ा सा ये बहुत ही डल टाइप लगा क्योंकि मेरा जो आई मेकअप है वो ऑलरेडी मैंने सटल सा ही रखा तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने आईज का जो कलर uh, है वो लाइट रखा है तो आपको लिप्स थोड़े से बोल्ड करने हैं और अगर आपने लिप्स बोल्ड करें तो आई मेकअप आपको थोड़ा सा सेटल करना है तो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो कलर है वो एक जैसा सही लग रहा है कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा है कहीं से भी पॉप आउट नहीं हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये थोड़ा सा पॉप आउट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सेटिंग स्प्रे मैंने बीच में यूज कर लिया था यहाँ पे स्प्रे कर लेंगे तो ये जो सेटिंग स्प्रे होता है आपने जो भी मेकअप किया वो लंबे टाइम तक आपके मेकअप को चलाता है और काफी अच्छा रहता है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डार्क टोन वाला लिप शेड लिया और वो उसके ऊपर अप्लाई कर लिया इससे थोड़ा सा आप देख सकते हैं एक अलग ही लुक निकल के आया फेस पे अगर आपको इसी को न्यूट्रल बेस में चलाना है तो आप डेफिनेटली ये दोनों शेड्स यूज कर सकते हैं आई शेडो का एंड लिप शेड का और अगर आपको थोड़ा सा अपना हाईलाइट करना है लिप्स को हाईलाइट करना है कि आपके फेस पे जो मेकअप है वो थोड़ा सा उभर के आए तो आप यहाँ पे डार्कर शेड टोन लगा सकते हैं तो मैंने आपको दोनों ही चीजें दिखा दी तो जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला आप कर सकते हो देन यहाँ पे हमारा ये फाइनल लुक हमने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है ये बहुत ही प्यारा सा कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इस सूट का आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा की कैसा लगा है समर अप्रोप्रिएट है एंड यहाँ पे फिर मैंने अपने फ्लावर वाले इयर पहन लिए ये भी मुझे बहुत अच्छे से लगे इस ड्रेस के साथ काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कोई भी मेकअप लुक बिना परफ्यूम के तो अधूरा है तो यहाँ पे मैंने बाद में परफ्यूम लगा लिया है ये मिनी बॉटल्स मिल जाती है अभी रिसेंटली मेरे को रिसीव हुआ है ये इसमें आपको सिक्स बॉटल्स मिल जाती है बहुत ही क्यूट सी एंड ये ट्रेवल फ्रेंडली है तो आप इसको बाय कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं सारे ही मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लस ये आपको मैं कमेंट में भी दे दूंगी तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अमेजन पे ग्रेट फ्रीडम सेल भी स्टार्ट होने वाली है चार अगस्त से आठ अगस्त तक चलेगी तो अगर आप प्राइम मेंबर्स हैं आपके लिए एक दिन पहले शुरू हो जाएगी और इसमें आपको मिल जाता है फिफ्टी टू एटी परसेंट तक ऑफ टॉप फैशन ब्रांड्स पे ब्यूटी ब्रांड्स पर तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कर लीजिएगा कोई भी चीज अच्छी लग रही है तो जल्दी से अपनी कार्ड बिल्डअप कर लीजिएगा ये मेरा आज का लुक है तो आज का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा लगा तो लाइक करके जाएगा मेरे चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम वीडियो ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी तो प्लीज अभी के अभी लाइक और फॉलो कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा अपने फैमिली ग्रुप्स में अपने फ्रेंड ग्रुप्स में फेसबुक पे कहीं पे भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और मैं आपको मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ चिल्ड्रन बाय